देखिए, राहुल गांधी जी पांचवी बार सांसद हैं, लोकसभा के अंदर विपक्ष के नेता हैं। उनके पिता राजीव गांधी जी ने इस देश के लिए कुर्बानी दी है, उनकी दादी इंदिरा गांधी जी आतंकवाद की भेंट चढ़ी गई और पूरा परिवार इस देश की आज़ादी की लड़ाई से लेकर आज तक इस देश को एकजुट रखने के लिए, मजबूत करने के लिए लगा रहा है। आज जिस प्रकार की भाषा बीजेपी के मंत्री, उनके केंद्रीय मंत्री, राज्यों के मंत्री, सहयोगी दलों के विधायक राहुल गांधी जी के खिलाफ जो बोल रहे हैं, उनको आतंकी बता रहे हैं, उनका मर्डर करने की धमकी दे रहे हैं, उनकी जवान काटने की शर्त लगा रहे हैं, उसको 11 लाख का इनाम घोषित कर रहे हैं, और इन सब बातों को लेकर नए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, नए अमित शाह जी कोई एक्शन ले रहे हैं, इसमें ऐसा लगता है कि ये सब बीजेपी की सह पे ये सारी चीज़ें हो रही है। क्योंकि राहुल गांधी जी ने देश के अंदर जो माहौल पैदा किया कि नफ़रत के बाजार में मोहब्बत की दुकान उन्होंने खोली, कन्याकुमारी से कश्मीर तक की पैदल यात्रा उन्होंने की, मणिपुर से मुंबई तक की यात्रा उन्होंने की, और पूरे देश के अंदर एक भाईचारे का संकेत दिया, और विशेष रूप से पिछड़े वर्ग को लेकर, चाहे वो SC हो, ST हो, OBC हो, EWS हो, गरीब हो, मजदूर हो, किसान हो, महिला हो, विद्यार्थी हो, बेरोजगार हो, इन सब को लेकर जो राहुल गांधी जी का विजन जो देश के अंदर सामने आया, उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी घबराई हुई है, इन सब चीज़ों से डरी हुई है, इसलिए वो राहुल गांधी जी को कमज़ोर करने के लिए इस प्रकार की देश के अंदर भ्रामक जो बातें वो कर रहे हैं। राहुल गांधी जी विदेश गए, अमेरिका के अंदर उन्होंने जो बातें कही, उन्होंने कहा कि जो देश के अंदर आरक्षण है तब तक लागू रहेगा जब तक बराबरी का हक सबको नहीं मिल जाए, और भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि राहुल गांधी आरक्षण को ख़त्म करना चाह रहा है। तो ये सारी चीज़ें, क्योंकि मनसा इन लोगों की है, ये लोग संविधान को ख़त्म कर रहे हैं, कमज़ोर कर रहे हैं, चुनी हुई सरकारों को गिराते हैं हर जगह पे। अभी राजस्थान की हम बात करें तो उपचुनाव तक, पंचायती राज के निकायों के चुनाव तक ये लोग नहीं करा पा रहे हैं, ये हालत राजस्थान के अंदर है। देश के अंदर वन नेशन वन इलेक्शन की बात कर रहे हैं, 4 स्टेट के इलेक्शन ये नहीं करा पा रहे हैं, तो देश को जो भ्रमित करने का काम ये लोग कर रहे हैं।